गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 25 इलेवंथ क्लास। ध्यान से देखना बेटा सभी। फर्स्ट वी विल स्टार्ट रीड स्टेटमेंट। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। देखो पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मर्जी आप बना। इस वाले को कह लो लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, इसको कह लो शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। ये बड़े वाली साइड है, ये छोटे हो, ये तीसरी साइड होगी, ठीक है। अब पढ़ो स्टेटमेंट। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। कह रहे बड़े वाली साइड छोटे वाली साइड की 3 टाइम्स है। तो मान लिया छोटे वाली साइड कितनी है, एक सेंटीमीटर, तो बड़े वाली साइड इस साइड का 3 टाइम्स है, तो ये 3x बन गया, क्लियर। नेक्स्ट लाइन, द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड है, थर्ड साइड, अब पढ़ो, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। कहते जो तीसरी साइड है बड़े वाली साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी साइड बड़े वाली साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। अगर ये 3x है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 3x माइनस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, तो इसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। कहते जो छोटे वाली साइड है इसकी मिनिमम लेंथ कितनी होगी ये बतानी है, यानी कि मेरे को ये एक्स की वैल्यू फाइंड करता है, कम एक्स की वैल्यू, कम से कम इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये हमने बताना है, ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों लाइनों को प्लस कर दो, पहले ये वाली साइड एक्स प्लस, फिर ये साइड लिख लो 3x माइनस 2, फिर इसको लिख लो 3x। एट लीस्ट का मीनिंग होता है ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पर लिख दिया 61, ठीक है। एट लीस्ट ग्रेटर देन इक्वल, एट मोस्ट होता तो लेस देन इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, एक्स और 3x 4, 4 और 3 7x, 2 माइनस है इस तरफ ले जाओ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7x हो गया ग्रेटर देन इक्वल 63, 7 से डिवाइड कर दो 7 9 63, यानी कि जो x की जो वैल्यू है या तो 9 होगी या 9 से ज़्यादा होगी। याद रखें इसकी जो साइड लेंथ है वो या तो कितनी होगी 9 सेंटीमीटर या 9 से ज़्यादा, मिनिमम कितनी होगी। देखो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, छोटे वाली साइड की कम से कम कितनी लेंथ होगी 9, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या लिखेंगे, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल 9 सेंटीमीटर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ना। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। दोबारा रीड करो, ए मैन वांट्स टू कट, एक आदमी काटना चाहता है 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। कह रहे मेरे पास एक बोर्ड है, इसकी लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर। कह रहे इसके 3 टुकड़े करता है, 1 2 3, ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। एक आदमी है, इसके पास लकड़ी का एक टुकड़ा है 91 सेंटीमीटर, इसके 3 टुकड़े काट देता है, पहला दूसरा तीसरा। अब आगे जैसे जैसे कहेगा वो करते जाओ। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, ठीक है। कह रहे सेकेंड वाली लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, इसको शॉर्टेस्ट मान लो। मान ले इसकी लेंथ कितनी है,
एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेकेंड वाली लेंथ इस लेंथ से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है, इससे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। आगे बढ़ो, फिर आगे क्या कहते हैं, द सेकेंड लेंथ इज 2 बाई 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्ट एंड द थर्ड लेंथ, ये थर्ड लेंथ, द थर्ड लेंथ इज 2 बाई 2x एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। कहते तीसरे वाली लाइन इस छोटे वाली साइड से 2x है, तो ये 2x हो गया, यानी इसका डबल है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। कह रहे इस छोटे वाले बोर्ड की लेंथ कितनी है ये बता दो, यानी मेरे को एक्स निकाल कर दिखाना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट वो इफ़ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। चलो इसी लाइन को मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट वो एक्स निकालना है, ध्यान से पढ़ना। इफ़ द थर्ड पीस, ये देखो मैंने यहाँ लिखा थर्ड पीस, ठीक है, इज टू बी एट लीस्ट, यहाँ मैंने लिख दिया एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है देन द सेकेंड, तो यहाँ पे लिख दिया सेकेंड पीस। जो लाइन उसने लिखी वही लाइन मैंने यहाँ लिख दी। थर्ड पीस, थर्ड पीस कितना है हमारे पास 2x। एट लीस्ट का मीनिंग क्या बताया था, ग्रेटर देन इक्वल, ये वाला 5। सेकेंड पीस, सेकेंड पीस कितना है 3 प्लस x, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 2x, 5 और 3 8 प्लस x हो गया, x को इधर ले जाओ, 2x - x ग्रेटर देन इक्वल 8, तो यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर ये 8, क्लियर है यहाँ तक। यानी जो x की वैल्यू होगी या तो ये 8 होगी या 8 से ज़्यादा होगी। इसको आगे भी कर सकते हैं, कैसे, देखो अब देखो हमारे पास एक बोर्ड था, लकड़ी का एक बोर्ड है, इसकी लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर, हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए थे। अगर मैं इन तीनों टुकड़ों को वापस मिला दूं तो इसका टोटल कितना होगा, या तो 91 होगा या 91 से कम होगा। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, देखो पहला बोर्ड, दूसरा बोर्ड, तीसरा बोर्ड, अगर मैं तीनों बोर्ड को प्लस कर दूँ तो क्या आएगा, 91 आएगा या 91 से कम आए, 91 से ज़्यादा नहीं होता। क्यों, जैसे अगर आपके पास सपोज करो एक लकड़ी है, लकड़ी को आप उसको काटो, ठीक है, फिर उसको वापिस जोड़ो, उसके अंदर से कुछ ना कुछ चूरा तो निकलेगा ही, कुछ जिसको लकड़ी का बुरादा कहते हैं, जिससे उसकी लेंथ जोड़ोगे तो वो कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती, या तो हो सकता है कि चूरा निकले ही ना, पूरा एग्जैक्ट 91 भी बन सकता है या कम हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट बोर्ड कितना था x, सेकेंड बोर्ड कितना था 3 प्लस x, थर्ड बोर्ड कितना है 2x और लेस देन इक्वल 91, यहाँ से x और x 2x, 2 और 2 4x, 3 इधर आएगा तो -91 में से 3 माइनस कर दो 88, 4 से डिवाइड कर दो, कितना बन गया 22, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x बड़ा है 8 से या 8 से ज़्यादा, x बड़ा है 8 से, x बड़ा है 8 से, और इसको यहाँ से 22 से छोटा, यानी कि जो x की जो वैल्यू आएगी 8 और 22 के बीच में। उसने कहा था छोटे वाली जो साइड है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो 8 और 22 के बीच में, अगर 8 और 22 के बीच में है तो इस दी हुई कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ओके। तो यही हमारा आंसर हो गया, इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, ओके बेटा, थैंक यू।